देना है। अब ये वही प्राथमिकता वाले शब्द को इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या करना है, ध्यान देना है, इसको प्राथमिकता देनी है, इसके इसके और ध्यान देना, उसको प्राथमिकता देना। और क्या शब्द बोला आपने, हैं? उसके ऊपर बार बार केंद्रित होना, उसके को बार बार फोकस करना, उस बात के ऊपर अपने को केंद्रित होना उस पर। तो बात समझ में आ गई। तो जानने के प्रति और जीने के प्रति, समझ के प्रति और जीने के प्रति, वाणी व्यवहार स्वभाव व्यापार इसके प्रति। अब अगली बात आ गई, इसी से जुड़ी हुई है, इसलिए मेन बात तो यही थी। हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदलता है? बोलो, आप अपने स्वभाव से सुखी हैं या दुखी? अच्छे स्वभाव से दुखी हैं और बुरे स्वभाव से? आप अपने स्वभाव से सुखी रहते हैं कि दुखी? बुरा स्वभाव कौन सा है? गुस्सा आना, ठीक है, और क्रोध करना, वही, और लालच। लालच से कौन दुखी है? लालच तो करते ही हैं, चाके तो करते हैं, लेकिन फिर वो पूरी होती नहीं, फिर दुखी होते हैं, तृष्णा है ना। अच्छा, और ज्यादा खा के दुखी नहीं होते बाद में? बोलो, आपस में झगड़ा करके दुखी नहीं होते? देर से उठते और सोते रहते हो, दुखी नहीं होते बाद में? जल्दी उठ लिया होता तो ठीक रहता, अब सारे काम गड़बड़ हो गए। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी स्नान करो, जल्दी जल्दी व्यायाम करो, समय ही नहीं रहा। देर से उठ करके सुखी अनुभव करते हो या दुखी? ज्यादा खा करके बाद में पेट आफरा हो जाता है, गैस बनती है, अगले दिन लैट्रिन भी ठीक से होती नहीं है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। ज्यादा खा के सुखी रहते हो या दुखी? इसका मतलब ज्यादा खाने की आदत को बदलना। अब थोड़ा आप इसको विस्तार से समझो। तो आप लोग ये जो बोल रहे हो ना, इसको जीना है, इसका मतलब ज्यादा खाने की आदत को। अच्छा, आप जो मेहनत नहीं करते हो, ऐसे बैठे रहते हो, बाद में आपको लगता है मैंने सारा समय तो ऐसे ही खराब कर दिया आज का। तो आलस्य में जीवन को जी करके, जीवन में कोई मेहनत ना करके, ऐसे ही वक्त बिना मतलब के समय खराब करके सुखी होते हैं या दुखी? थोड़ा सोचोगे तो दुखी होगे। कुछ तो सोचने की फुर्सत ही नहीं देते। पहले ताश खेलने लग जाएं, जब सोचने का शाम को वक्त हो तो दारू पी लें, फिर सुबह सुबह उठते ही फिर राबड़ी रूबड़ी खा लें, फिर मन फुर्स। सोचोगे तब तो पता लगेगा ना। अच्छा, किसी दूसरे आदमी को आपको दुख दे करके अच्छा लगता है या बुरा? किसी को दुख दे के, किसी को गाली दे के, किसी को कष्ट दे के, किसी की हिंसा करके, किसी की मार पिटाई करके आपको सुख मिलता है या दुख? तो ये अच्छी आदत है या बुरी? देखो, आत्मा में एक भाई कह रहे हैं कि कुछ लोगों को तो ऐसा करके अच्छा लगता है। दो बातें, उनको आत्मा से अच्छा लगता है या उनका स्वभाव खराब हो गया है? उनके जो कितना ही हिंसक क्रूर आदमी हो, वो चाहता है किसको कोई मारे? बोलो, कुछ लोग हमको ऐसा लगता है कि बुरे लोग जो है ना, ये इनको बुरा करके अच्छा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लगता उनको, लेकिन उनकी आदत खराब हो गई है जी। क्या चीज? स्वार्थी। अब जो स्वार्थ है ना, स्वार्थ, अब आप देखो, जो आदमी किसी की हत्या, जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं लाख दो लाख पांच दस लाख की, फिर हजारों करोड़ के घोटाले करते हैं, तो ये करके वो सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं?
आपको ऐसा लगता है कि उनके पास तो ज्यादा धन आ रहा है, बड़े मकान आ रहे हैं, लेकिन ये भी खराब ही आदत है, ये भी जो है खराब ही उनकी सोच है। बाद में उसका अनंत गुना फल उनको मिलने वाला है, अब वो उसको भोग नहीं सकते। जो लाख करोड़ का किसी ने घोटाला किया, पहने तो उसको ही दो कपड़े, वही गाड़ी, वही मकान, जो बाकी जो पाप कर लिया वो अनेक जन्मों तक नर्क और भोगेगा। तो ये स्वार्थी नहीं, ये नादान लोग है, ना समझ है। तो खैर, आपको मैं कह रहा था वैयक्तिक तौर पर आपको कौन सी चीजें सबसे ज्यादा दुख देती है, इसके बारे में सोचो। अब ये बड़ी बात और बाद में सोचेंगे, आएगा अगला विषय आएगा उसमें लेंगे इसको, जो आपने स्वार्थ वाले बात की। आपको सबसे ज्यादा दुख कौन सी चीजें देती हैं, दूसरे के बारे में मत सोचिए थोड़ी देर के लिए। सबसे ज्यादा आपको कौन कौन सी चीजें दुख देती हैं? जो चीजें हमारे हमारे लोभ में, जो हमारे भोग में है, जो हमारे सुख में, योग में सहायक नहीं है, जो हमारे, अब देखो थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, ये समझना मुश्किल हो जाएगा आपको। सुबह से शाम तक घर में सोचो कौन कौन सी चीज आपको दुख देती है। आपका पति आपसे अच्छा बोले तो आपको सुख मिलता है, या आपसे कड़वा कड़वा बोले, गुस्सा करे तो दुख मिल सुख मिलता है? अब चलो, अब मैं इसको समेटता हूं। आप लोग तो सोच, जो घर में सुबह से शाम तक आपको कौन सी चीजें दुख देती है? सबसे ज्यादा वाणी, दूसरा स्वभाव में, और क्या क्या चीजें? आपको दुख देने वाली चीजें, विश्वासघात, ये तो स्वभाव आपका, मतलब आप अपने स्तर पर देखो ना, आपको कौन सी चीजें दुख देती हैं? तो अब आप देखो, दो तीन चीजों पर आएंगे। एक तो आपकी वाणी सबसे ज्यादा दुख क्या देती है हमारी, हम किसी से कड़वा बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, नाराज होकर के बोल देते हैं, हाँ वो अगली बात आएगी। तो एक तो सबसे ज्यादा दुख देती हमारी वाणी, दूसरा हमारा व्यवहार, हमसे कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, फिर क्या करें जी, क्या करूं, मैं तो आदत से लाचार हूं। कुछ मैंने माताओं को देखा, अपने बच्चों को पीटती रहती है, मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों पीट रहे हो, बोले क्या करूं, मैं तो आदत पड़ गई, जब तक 2000 हाथ मार नहीं लूं ना तो मेरे को शांति नहीं मिलती। हाँ, आदत से लाचार है। तो अपनी वाणी, अपना व्यवहार, खान पान, अपना आलस्य, अपना प्रमाद, पड़े रहते हैं, फिर बाद में अरे ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत खराब स्वभाव हो गया है ना, फिर बैठे बैठे उल्टे उल्टे विचार चलते रहते हैं। तो खराब सोचना, ये भी खराब स्वभाव है, खराब बोलना और खराब व्यवहार करना, इससे अपन हम भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो आज से दो बातें पूरी हुई, जीवन को ठीक ठीक समझना है, और वैसे समझ करके, जीवन को समझने से मतलब अपने ज्ञान को समझना है, अपने भीतर के सामर्थ्य को समझना है, अपने भीतर के प्रेम को समझना है, कुछ भी कहो उसके लिए, ठीक है। जीवन को ठीक ठीक समझेंगे और उसको ठीक से, अपने भीतर जो अपरिमित ज्ञान, अपरिमित प्रेम, अपरिमित सामर्थ्य भगवान ने दिया, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हर मानव क्या बन जाएगा, महामानव बन जाएगा। दूसरी बात, अपने दोषपूर्ण स्वभाव को बदलेंगे। दो आदमी बैठते टकराव शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है, जब हम दूसरे से बात करते हैं तो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते, अपने हांकते रहते हैं, आग्रह, हट, मनमुटाव, टकराव, संघर्ष, अपमान, ये सब चीजें। तो अपने, दूसरी बात हुई, अपने दोषपूर्ण स्वभाव को बदलेंगे, बुरी आदतों को प्रयत्न पूर्वक, समझ पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, संकल्प पूर्वक बदलेंगे। बड़ा खतरनाक काम है ये, हमारे गलत काम का, जो जैसा हम बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार करते हैं,
वैसे बार बार वो इसे हमारे संस्कार, वो इसे हमारी आदत बन जाती है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजों को ठीक करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को ठीक करना पड़ेगा, अपनी समझ को ठीक करना पड़ेगा, अपने समस्त व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा। जो भी हम कर रहे हैं, जो हम बार बार करते हैं, वो क्या बन जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है। तो दो दो बातें अभी पूरी हुई, दो बातों के लिए सबसे ज्यादा जागरूक रहना है। एक किसके प्रति, बोलो, जानने जीने के प्रति, समझ और व्यवहार के प्रति। ठीक है, दूसरी बात, दोषपूर्ण स्वभाव को बदलने के लिए संकल्पित होना है, सोचने ना मुझे ठीक करना है। गलत बैठने की आदत, सीधे बैठो, गलत बैठने की आदत, गलत तरीके से बोलने की आदत, गलत तरीके से देखने, कुछ घुर्रा के देखते हैं, गलत तरीके से खाने की आदत, ज्यादा खाना और कुछ ऐसे पुछ पुछ करके खाते, बहुत खराब लगता है दूसरों को और अपने को पता ही नहीं। जो स्वभाव बन जाता है फिर उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। स्वभाव कहते हैं उसको, है कि वो बिना ही सोचे समझे फिर वैसे होता रहता है। अब जैसे कोई कुत्ता जो है टांग उठा करके उसको मूतना कोई सिखाता थोड़ी है, लेकिन उसका स्वभाव बना हुआ है तो वो जो भी है उसकी पूंछ कोई मोड़ता थोड़ी है, मुड़ जावे। एक आदमी ने पाइप लगा दिया, 10 साल बाद खोला फिर मुड़ गया। तो ये कुत्ते की पूंछ की तरह होता है स्वभाव, ये सामान्य काम नहीं है। इसको बदलने के लिए आपको इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सीधे बैठो, आज सब संकल्प करो कि हम अपने दोषपूर्ण स्वभाव को, दोनों हाथ जोड़ लो, इससे आप भी बहुत सुखी हो जाओगे, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके मित्र बहुत सुखी हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि आप गलत करोगे तो मुझे दुखी करोगे। मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, ये अच्छा स्वार्थ है, ऐसा स्वार्थ तो होना चाहिए। तो सब हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, अपने 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 दोषपूर्ण स्वभाव का चिंतन करो पहले थोड़ी देर सांसों पर मन को टिकाओ, और सुबह से शाम तक सोचो कि आपका कौन सा ऐसा दोषपूर्ण स्वभाव है जो आपको और दूसरों को, आपके परिवार को, समाज को दुख देता है, वो घातक है आपके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। सोचो, शांत हो जाओ थोड़ी देर। वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर मिलावट करना या ऐसी दूसरी चीजें, दूसरों से अधिक मूल्य लेना अपने वस्तुओं का, वाणी, व्यवहार, घर परिवार में सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ हमारा अविश्वास, किसी पर भरोसा न करना, ये भी तो खराब स्वभाव है। फिर व्यापार के स्तर पर, आहार के स्तर पर, दूसरे मांसाहार आदि करते हैं तो ये भी तो गलत स्वभाव है हमारा, गलत आदत है हमारी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय, देर से उठना, ज्यादा खाना, मेहनत ना करना, ये अकर्मण्य आलसी स्वभाव, उल्टा उल्टा सोचना, उल्टा उल्टा चीजों को देखना, ऐसे बहुत तरह के हमारे स्वभाव हैं। कई बार बोलते तो हैं लेकिन इतना ऊंचा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, निंदा करना, ये तो बहुत खतरनाक दोष है, वाणी के दोषों में बताया ना सब। तो ऐसे आप इसको रोज सोचना आपको, तो सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं भगवान को साक्षी मान के, गुरु को साक्षी मान के, संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मान के, खुद को साक्षी मान के, ये संकल्प लेता हूँ कि अपने दोषपूर्ण स्वभाव को
बदलने के लिए जागरूक रहूंगा, सतर्क रहूंगा, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। ओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम् तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृता सत्यम् उपैमि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ये बहुत गंभीर बात है और ये जीवन की सबसे बड़ी बात है। यदि आपने अपने स्वभाव को बदल लिया ना, तो समझ लेना आप पूरी दुनिया को बदल पाओगे। एक क्षण के लिए भी अपने मन में अज्ञान, अपवित्रता, आलस्य, इसको स्थान नहीं देना। वेद में एक मंत्र आता, परोपे ही मनस्पाप किम असस्तानी संससी। जैसे ही कोई ऐसा खराब विचार आए, एकदम उसको हटा दो, बोले भाग यहां से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह। आलस्य आए, कोई व्यसन करने की इच्छा हो, नशा करने की इच्छा हो, गलत काम करने की इच्छा हो, एकदम से वाणी के निंदा चुगली करने के, किसी किसी को ना चुगली ना कर लेना तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। जब तक किसी को दो चार उल्टी सीधी सुना देना, ना सुना दे तब तक चैन नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ी बात बताई है, इसको समझा ठीक। अब तीसरी बात, कर्म फल के प्रति जागरूक रहना, कर्म फल को सर्वोच्च, कर्म और कर्म के फल को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना। ये ध्यान देना, उसके प्रति बहुत जागरूक रहना, अवेयर रहना, अलर्ट रहना, सतर्क रहना, उसको उसको बहुत गंभीरता से लेना, उसको बहुत गंभीरता से लेना, हल्के में नहीं लेना, गंभीरता से लेना। अच्छा, जो हम कर्म करते हैं उसका फल किसको मिलता है? मैंने पांच बात बताई थी। जो कर्म करते हैं उसका फल किसको मिलता है? जो करेगा वो, और जैसा करेगा वैसा। तो जो हम कर रहे हैं उसका फल किसको मिलने वाला है? हमको ही मिलने वाला है। और जितना करते हैं उतना मिलने वाला है कि कई गुना होकर के, कई गुना होके, अनंत गुना होके। तो हर काम को फिर सारी चीजें बदल जाएंगी। एक एक बात से जिंदगी बदलती है। तो आप अब इसको समझो, जो कर रहे हैं, ये तीन तरह का कर्म होता है, करना, कराना, अनुमोदन करना। कितने प्रकार का कर्म होता है? तीन प्रकार का, करना, कराना, अनुमोदन करना। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन में यदि गलत हो रहा है और हम उसका विरोध नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उसका पाप का फल हमको भी मिलने वाला है। देश लूट रहा है और हम यदि उसका विरोध नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम भी उस पाप में, उस लूट में हम भी भागीदार हैं। माँ बहन बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहा है, गौ माता का कत्ल हो रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, चारों तरफ समाज में अन्याय है, अभाव है, अज्ञान है, समाज में दुख है, उसके भागीदार हम भी हैं। कृतकारित अनुमोदित, हमने अनुमोदन कर लिया, हमें अपना कर्तव्य नहीं निभाया, मीन्स हमने उसका विरोध नहीं किया, उसको, उस दुख को खत्म करने के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए, उस लूट को खत्म करने के लिए। तो ये, तो जो हम करते हैं, जो करते हैं, कराते हैं, अनुमोदन करने का मतलब तीन, करना, कराना, अनुमोदन। जो हम करते हैं उसका फल किसको मिलेगा? हमको ही मिलेगा। और जो कर रहे हैं उसका फल कितना गुना होकर के मिलेगा? अनंत गुना होकर के मिलेगा। अच्छा, इसकी करने कराने की कितनी श्रेणी है? काम करने की कितनी श्रेणी है? कितनी बताई थी सुबह? एक पुण्य कर्म, दूसरा पाप कर्म, तीसरा मिश्रित कर्म, और चौथा दिव्य कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा।
फिर सेवा बोल दिया जाता है उस कर्म को, निष्काम कर्म। तो आपको पाप कर्म करना चाहिए या पुण्य? अच्छा, ये पाप और पुण्य में क्या फर्क होता है? जिससे अपने को और दूसरों को सुख मिले वो पुण्य, अपने को और दूसरों को दुख मिले वो। अच्छा, तो ये पुण्य कर्म क्या होता है? आप पुण्य, जब आप सुविधाओं का उपयोग करते हो, संसाधनों का उपयोग करते हो, धनादि का उपयोग करते हो, वस्त्रादि का उपयोग करते हो, तो इससे आप किसी दूसरे की मदद कर रहे हो या अपनी मदद कर रहे हो? तो अपनी मदद करना है, ये पुण्य है या पाप? अभी देखो, आप सुनो, अभी आप चक्कर में पड़ रहे हो अभी। तो जब आप अपने लिए वस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरे को कहां मिल रहा है? दूसरों से को तो दुख दे के प्राप्त कर रहे हो आप। ये कपड़ा पाने के लिए कितना किसान मेहनत करता है, इसके लिए जो वो कपास का बीज बोना पड़ता है, फिर कितनी मजदूरी लगती है, फैक्ट्री में भी बनता है तो कितनी मेहनत लगती है। तो आप वस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हो, ये पुण्य कर्म नहीं है, ये पुण्य का क्षय है। तो समा अभी अपने लिए कह रहा हूं ना, हम जो करते हैं सुबह से शाम तक, इसका मतलब वो तो दिव्य कर्म की श्रेणी में आएगा, जो वो अगला है वो। तो ये पुण्य कर्म क्या है फिर? पुण्य कर्म है जो अपने लिए नहीं करते हम, दूसरों के लिए। जब हम कोई भी वस्तु का, वस्त्र का, किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं खुद अपने लिए, वो पुण्य कर्म नहीं है, वो पुण्य का क्षय हो रहा है, वो हमारे लिए पुण्य कर्म नहीं है, वो पुण्य का क्षय होने वाला कर्म है। तो जितना कम से कम हो वस्त्र का उपयोग करो। सुन लो, आपके पास कितने कपड़े हैं माताओं? बहुत सारे। तो आपको कितने कपड़े रखने चाहिए? 4, 8, 10, बस 10 से ज्यादा बस, ठीक है। और अभी यदि इतने में भी संतोष ना हो तो जितने खरीद रखे हैं उसमें ही बस। देखो कितने खुश हो गए सब भाई लोग। पैसे, बोले बाबू जी हमारे बचेंगे। पैसे बचाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, इससे आगे की बात कर रहा हूं। जरा इसको थोड़ा दूसरे, पुण्य पाप ये तो मैं चारों क्रम बाद में समझाऊंगा। जब हम भोग करते हैं, जब हम सुविधा लेते हैं, जब हम कोई भी सुविधा लेते हैं तो इससे हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है। जब हम कोई भी सेवा लेते हैं, कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, उससे पुण्य क्या हो जाते हैं हमारे? तो सब लोग बोले बाबा जी इससे तो फिर सारा जगत फिर इसको भोगेगा कौन? यही तो बात बता रहा हूं। सब लोग ये सोचें कि मुझे उतना ही उपयोग में लाना है जितना मेरे लिए नितांत आवश्यक है। और एक बात सोच लो, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा? बस। अच्छा, फिर क्या करोगे? फिर उतना ही इस्तेमाल करोगे जितना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने इसके साथ एक और चीज जोड़ी थी कि आपका, अब ये तीन चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जो आप करते हो उसका अनंत गुना आपको फल मिलता है, और जब आप सेवा देते हो तो आपके पुण्य बढ़ते हैं, और जब आप सेवा और सुविधा का इस्तेमाल करते हो तब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। एक दिन की जिंदगी जीने के लिए करोड़ों जीवों से आप सेवा लेते हो, अब ये सारा पुण्य क्षीण करने वाला काम हो गया। अब पुण्य बढ़ेगा कैसे? और पुण्य, ये पाप और पुण्य के अनुसार ही हमको मनुष्य का जीवन मिला है। हमें जो भी सुख मिला है, आज सुविधाएं मिली हैं, जो भी हमें जीवन में, सती मूले तद विपाक है जाति आयुर्भोग, मनुष्य का जन्म मिला है, हमको जो आयु मिली है, और जो भी हमें
सुख सुविधाएं मिली हैं, धन वैभव मिला है, ये सब किसका परिणाम है? अपने कर्मों का फल है। इसको बोलते हैं कर्माशय। क्या बोलते हैं इसको? फिर एक होता है संस्कार, दूसरा क्या होता है? संस्कार। ये संस्कार और कर्माशय का ही खेल है सारा। हम बोलते हैं ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, है ना? ये पूरे भजन भुजन तो हम सुनते रहते हैं ना, ये सार देखो, सब सबके ये दिमाग तो एक जैसे हैं, लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी, ये किसका परिणाम है? हमारे संस्कारों का और हमारे कर्मों का फल है। देखो, एक आदमी की बुद्धि में जो बात एक बार समझाई, समझ में आके तुरंत आगे बढ़ जाता है, और दूसरे को हजार बार समझाओ उसके समझ में ही नहीं आती। एक आदमी का दिमाग इतना ऊंचा है, उसकी प्रज्ञा का स्तर, उसकी मेधा का स्तर, कि सारी दुनिया उससे रोशनी पा रही है, और एक बेचारा अपने आप में ही नहीं समझ रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। आवाज तो एक जैसी है, लेकिन इस आवाज का प्रभाव करोड़ों लोगों तक पड़ता है, ये उसका पुण्य है। आवाज तो एक जैसी है और उस आवाज से करोड़ों लोग प्रकाशित हो रहे हैं, ये किसका प्रभाव है? पुण्यों का प्रभाव है। मस्तिष्क तो एक जैसा, लेकिन उसकी उसमें ऐसा ज्ञान उतर रहा है कि उससे सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। हाथ एक जैसे हैं, लेकिन कर्म अलग अलग है, ये सब किसका परिणाम है? ये कर्मों का फल है। ये पापा जो है धर्माधर्म, धर्माधर्म का जो हमारा खाता है, धर्माधर्म का जो पुण्याशय है, पापाशय है, धर्माधर्म का जो कर्माशय है हमारा, समझ में आई बात? ये है सर। तो अब इसको थोड़ा सा विस्तार दे करके फिर अगली बात पर बढ़ जाएंगे। ये बहुत गहरी बात, लेकिन बहुत जरूरी बात है जिंदगी के लिए। और वो ये कि जितना आप सेवाएं लोगे उतना आपके पुण्य क्षीण होंगे, और जितना कम से कम सेवाएं लोगे और ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दोगे उतने आपके पुण्य। पाप और पुण्य का पलड़ा हमेशा आपके साथ रहता है, पाप और पुण्य का खाता हमेशा बढ़ता घटता रहता है आपका। तो सुनो, क्या करना? आप जितना भी वस्त्र, भोजन, सेवाएं जितने लेते जाते हो, सुविधाएं, उतना आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसलिए क्या करो, जितना जीवन के लिए नितांत आवश्यक है उतना वस्त्र, उतना भोजन, उतनी सुविधाएं इस्तेमाल करना, बाकी सब किसके लिए? समष्टि के लिए। जितना अपने परिवार के लिए जरूरी है परिवार के लिए इस्तेमाल करो। समृद्धि का क्या अर्थ है? जितनी जरूरत है, यदि आपको चार रोटी की जरूरत है तो आपके पास कितनी रोटी होनी चाहिए? पांच रोटी का इंतजाम होना चाहिए, बस ये समृद्धि है। आपका गुजारा यदि 100 रुपए में हो सकता है तो आपके पास में 125, 150, 200 रुपए होना चाहिए, ये समृद्धि है। लेकिन वो उसका इस्तेमाल किसके लिए करना है? जो लोग सुख भोग रहे हैं, जो लोग सुविधा भोग रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं, वो सारे के सारे अपने लिए नरक का इंतजाम कर रहे हैं। वो दुनिया की अदालतों से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में नहीं बचे। भगवान के यहां न्याय होता है तुरंत, लेकिन उसका फल मिलता है समय के साथ। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं ना कि बुरे लोगों को तो उनका कर्मों का नहीं मिल रहा, हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कर्मों का फल में समय कितना लगेगा ये ईश्वर की व्यवस्था तय करती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने कर्म किया है वो कर्म के फल से बच नहीं सकता। समय इसका जो है हम तय नहीं करते, वो कर्माशय के रूप में
उसके साथ रहता है, उसके संस्कारों के रूप में उसके साथ रहता है। तो आप लोग अब हर बात में जब भी आप सोचना, जो आप अपने लिए सुख का, सुविधाओं का, अपने लिए वस्त्रों का, अपने लिए जितने भी भोग का इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब आपके पुण्य उससे क्षीण हो रहे हैं। और जब आप सेवा कर रहे हो तो आपके पुण्य, अब हम सब मिलकर के इस देश का कई सौ लाख करोड़ पे जो लूट रखा है उसको देश को दिला देंगे तो ये सबके खाते में जुड़ेगा। और जो हम खुद भोग रहे हैं वो पुण्य क्षीण कर। एक बोला, बाबा जी सब ऐसे ही सोचने लग जाएंगे फिर सुख भोगेगा कौन? ऐसा ही हम संसार बनाना चाहते हैं जहां सब लोग ये सोचें कि भाई ये तो मुझे जो है अपने पुण्यों को क्षीण नहीं करना, ये सुख, ये सुविधाएं, ये धन, ये तो दूसरों के लिए है। जिस दिन ऐसा सोचना सब लोग शुरू कर देंगे उस दिन समाज में अभाव, समाज में किसी चीज का अभाव, ये सब, ये गड़बड़ी क्यों हुई है? ये सब अपने लिए लेकर के बैठ गए, सुख सुविधाएं, संसाधन, धन, 125 करोड़ लोगों का हिस्सा, 125 करोड़ लोगों का धन, उनके सुख के संसाधन, उनकी सारी सुविधाएं, जो 100-125 लोग लेकर के बैठ गए और करीब हिंदुस्तान के 25-30 करोड़ परिवारों की जो संपत्ति है, जो संसाधन है, जो सुख सुविधाएं, उसके ऊपर एक दो परिवार, ये परिवार वो परिवार, ये परिवारवाद खत्म करना पड़ेगा देश में। इन्होंने सारे परिवारों को दुखी कर दिया है। ये अब देश के बारे में, अब इसी से आगे बढ़ता हूं। तीन बातें देश के लिए मैंने कहा था जो अपने को काम करना है। ऐसा जब जियोगे तो आप देश के लिए कर पाओगे। यदि जानने और जीने के प्रति सजग नहीं हो, अपने दोषपूर्ण स्वभाव को बदलने के लिए आप तैयार नहीं हो, और जब तक आप निष्काम सेवा करने के लिए तैयार नहीं हो, देश का उद्धार करना तो दूर की बात है, तुम अपना भी उद्धार नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी लोग उद्धार करने चलते हैं, जो भी लोग सुधार करने चलते हैं, जो भी लोग व्यवस्था को बदलने के लिए चलते हैं, पता लगा कि राष्ट्र का निर्माण करने चले थे, अपने घर का निर्माण कर लिया, अपना वैभव खड़ा कर लिया, तेरा वैभव अमर रहे और अपना वैभव अमर करने में लग गए। कहा कि हम देश का निर्माण करेंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे, खुद को समृद्ध बनाने में लग गए, देश को सुख देंगे, देश को सुविधाएं देंगे, देश को न्याय देंगे, लेकिन सब अन्याय करने में लग गए। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो इस देश और दुनिया की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं वो पहले इन तीन कसौटियों पर खड़े उतरे, फिर वो निश्चित रूप से देश ने दुनिया को बदल देंगे। ये तीन काम पहले करने की जरूरत। अब ये तीन काम नहीं हुए, भ्रष्टाचार भी मिट गया, काला धन भी आ गया, किसानों को उनकी उपज का मूल्य भी मिलने लग गया, समझ है ही नहीं जीवन की, फिर क्या किया, फिर दारू पीने लग गए, फिर बीड़ी पीने लग गए, फिर सिगरेट पीने लग गए, फिर वही एक एक की जगह 10-10 मोबाइल आ गए, एक एक की जगह 10-10 गाड़ियां आ गई, चलने के लिए सड़कों पर जगह नहीं मिलेगी, फिर वही गड़बड़ आ गई। तो सुविधाओं से कभी भी कोई समाज सुखी नहीं होता है, संस्कारों से और ज्ञान से समाज सुखी होता है। संस्कार युक्त शिक्षा से समाज सुखी होता है, ये अपने समझ में आनी चाहिए। तो अब तीन मुद्दे देश के हैं बड़े, वो क्या हैं? ये इसमें हमने बताया कि काला धन कितना है। प्रोफेसर कैलडोर ने, ये पूरा पढ़ लेना, 1955-56 में प्रोफेसर कैलडोर ने सकल घरेलू उत्पाद GDP के अंदर काला धन कितना उसको एस्टिमेट किया। उसके एस्टिमेट करने के एक साइंटिफिक तरीके होते हैं, कितना परसेंट है ये काला धन। प्रोफेसर कैलडोर ने क्या कहा था 1955-56 में? 2-4%। इसके बाद एक जो है कमेटी बनी, क्या नाम था उसका? वांचो कमेटी। कब बनी थी ये? 1970 में। फिर इसने क्या कहा था कितना है ये काला धन? 7-8%। फिर 1980-81 में कमेटी बनी, क्या नाम था उसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये कब बनी थी ये कमेटी? अरे सब बोलो ना एक साथ, वांचू कमेटी कब बनी थी? 70 में। और प्रोफेसर कैलडोर ने ब्लैक मनी की पहली स्टडी कब की थी, उसका एस्टिमेट कब किया था?
पचपन छप्पन में, पचपन छप्पन में कितना बताया प्रोफेसर कैलडोर ने, और पहुंचो कमेटी ने 1970 में कितना बताया, और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने 1980 का में कितना बताया। ये तीनों के तीनों ये सब आपको लिख करके दे रखे हैं ये है? अच्छा, तो ये 18 से 21%। और अब कितना मानते हैं सभी अर्थशास्त्री, 50%। सो मतलब बराबर बराबर 50% वो 50% वही 100% हो जाता है। 18 से अब 50 पर आ गई, माने जितना ब्लैक मनी उतना ही व्हाइट मनी, 50 ये 50 वो, इसका मतलब पैरेलल। अब कितना हो गया पैरेलल ब्लैक मनी, अब क्या हो गया पैरेलल ब्लैक मनी इस्तेमाल हो रहा, अर्थात समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था शुरू होगी अंग्रेजी में बोलेंगे। अब ये भारत के लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया, दुनिया में और भी लोगों ने की, तो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एक का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्या नाम है बोलो, दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, दूसरा क्या है, और तीसरा है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, तीसरा क्या है, और भी बहुत से एनजीओ हैं और बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, और अब वर्ल्ड बैंक भी ब्लैक मनी की व्यवस्था को और IMF भी इस ब्लैक मनी की काले धन की अर्थव्यवस्था को मान रहा है, क्योंकि सारे बैंकिंग सिस्टम से तो होकर के चलती है। ये पैसा तो होता है लेकिन इसका हिसाब किताब पेपर पर नहीं मिल पाता, इसलिए इसको ब्लैक मनी कहते हैं। पैसा कभी भी सफेद और काला, उस ब्लैक मनी को क्या कहते हैं, अनअकाउंटेड, माने ये है तो सही लेकिन कहीं लिखा नहीं है साफ साफ, है लिखा हुआ नहीं है। तो ये कितना गया बाहर, 10% करीब, एक मानते हैं 10, बाकी ग्लोबल फाइनेंशियल वाले 16% भी मानते हैं, 10 से 16% बाहर गया, और उसको अनुमानते हैं कितना चला गया अभी तक, 100 से 150 लाख करोड़, फिर वापस भी आ गया जा करके, वो किससे आया, FDI से, उधर से घुमा के लिया है रूट करके। अब बताओ मॉरीशस से पैसा आ रहा है, मॉरीशस से करीब 10 लाख करोड़ पे आ चुका है, कितना 10 लाख करोड़, अपने एक जिले जितना है वो देश, कितना एक जिले में 10 लाख करोड़ पैसा होता है कहीं, कहां से आ रहा है वो, वही है बेईमानी का पैसा। अब बात समझ में आई, तो ये 10% तो बाहर गया वही सोर्स से 150 लाख करोड़ पे, बाकी कहां है 90% देश में, वो किसमें लगा हुआ है, वो गोल्ड में, सोना में, दूसरा सबसे ज्यादा लैंड में, ये बड़े बड़े सेक्टर हैं, वो स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, और फिर जो है वो दूसरे वो उसके बड़े धंधे, लेकिन सबसे ज्यादा लगा हुआ 7 चीजों में, स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, शेयर मार्केट, उसमें भी ब्लैक मनी घुमा घुमा के लगाते हैं, लेकिन जो एकदम साफ साफ देख सकते हो आप, सोना में, किसमें लगा हुआ है, जमीनों में, लैंड में, गोल्ड में, लैंड में, तीसरा माइनिंग में, दिखाते हैं थोड़ा सा 90% इलीगल माइनिंग होता है, माइनिंग, पॉलिटिक्स में, ड्रग्स में, नशे में, हेल्थ में, एजुकेशन में, फिर और तमाम काले धंधों में काला धन। ये इतना पैसा, ये इसका मतलब हिंदुस्तान में पैसे की कमी, गलत लोगों के पास में पैसा है। ये पैसा किसका है, 125 करोड़ लोगों का, किसका है, ये हम सबका है। तो सबका धन, ये जो उल्टी सोच होने से, ये सोच जिन लोगों की नहीं है, जिन जो लोग जीवन को ठीक से समझते नहीं है, ठीक से जीते नहीं है, जो लोग अपने खराब स्वभाव को बदलने के लिए तैयार नहीं है, उनके गलत स्वभाव का उन और अपने कर्मों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, उनके गलत कर्मों का परिणाम इस देश पर पड़ा और 125 करोड़ लोग दुखी हो गए। अब इसमें से थोड़े से लोगों को जागृत होना है तो फिर से 125 करोड़ लोग सुखी हो जाएंगे, उनका सुख भी नहीं छिनेगा, उनके संसाधन भी नहीं छिनेंगे, उनकी सुविधाएं भी नहीं छिनेंगी, वो भी सुखी रहेंगे और देश भी सुखी हो जाएगा। अब काला धन इतना बड़ा प्रश्न है, ये पूरे विषय याद कर लेना और सबको बताना। तो सब सबसे अब ये बात हमने दो बातें कही है, अच्छी बातें सिखाने के लिए योग को माध्यम बनाना है, अच्छी बातें सिखाने के लिए किसको माध्यम बनाना है, योग को माध्यम बनाना है।
योग कराना है और अच्छी अच्छी बातें बतानी है कि आपके अंदर क्या सामर्थ्य है, देश के अंदर क्या सामर्थ्य है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान शक्ति प्रेम सामर्थ्य है, बोला ना, वो बताना। देश में भी अपरिमित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है, उसको बताना। इसको अभी भी हर साल करीब 10 लाख रुपए की लूट हो रही है। अभी भी हर साल कितने की लूट हो रही है? और ये इसका लूट कहां से की है? जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन भू संपदा बजट, ये 5 स्रोत हैं। ये कहां से लूटा है सारा पैसा? 5 चीजों से, बोलो। जल पहला, बोलो। दूसरा, तीसरा, चौथा, जमीन के अंदर भू संपदा। जल जंगल जमीन भू संपदा। और ये बजट भी बना के देश का निर्माण किया या अपना? हर साल कितने रुपए का बजट बनता है पता आपको? हर साल स्टेट और सेंटर का मिलकर के 30 लाख करोड़ का बजट बनता है। कितने का? 5 साल में कितना बजट बन जाएगा? अभी तक पिछले पांच साल में कितना बन गया होगा? करीब 150 लाख करोड़। कितना? ये 150 लाख करोड़ पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान में कहीं लगा दिखा? ये है जल, देश के सारे जल संसाधन, देश की सारी नदियां बेच चुके हैं, नीलाम कर चुके हैं। जंगल 80% जंगल काट चुके हैं। जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीने नीलाम कर दिए इन्होंने, सारा देश ही नीलाम कर दिया है। और जमीन के अंदर जो भू समुदाय मिनरल्स हैं, 20,000 प्रकार की भू समुदाय, कितनी? 20,000। 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है अपना हिंदुस्तान। उसमें आधी जमीन लगभग पब्लिक के पास है, आधी जमीन लगभग गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वाली जो जमीन थी सब माफियाओं को बेच दी, अपने आप ले लिए। जल जंगल जमीन भू संपदा, और जमीन के अंदर 33 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन के अंदर है 20,000 प्रकार की भू संपदाएं, और एक एक की कीमत अरबों खरबों में है। हिंदुस्तान की भू संपदाओं की लूट खत्म हो जाए तो एक ही दिन में हिंदुस्तान अमेरिका से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर अकेले उड़ीसा में, अकेले झारखंड में, अकेले छत्तीसगढ़ में इतनी ताकत है। अब बात समझ में आई? ये काला धन कहां से लूटा है, कितना लूटा है, और वापस आ जाएगा तो हिंदुस्तान में गरीबी मतलब ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध देश होगा अपना। तो अपना देश गरीब रहना चाहिए कि अमीर? अपने देश में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए कि खराब? अच्छे सड़कें होनी चाहिए कि खराब? सबके लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए या अलग अलग? सबके लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, या ऐसे ही खराब शिक्षा होनी चाहिए? संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। जीने का अधिकार केवल गरीबों को या सबको समान चिकित्सा मिलनी चाहिए? किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, साधारण लोग हैं, उनको भी, उनके जीवन में भी खुशियां आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? और इन सबके लिए क्या चाहिए? और पैसा किसके पास है? पैसा है बेईमान लोगों के पास, माफियाओं के पास, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने अन्याय करके देश के साथ धोखा, विश्वासघात, छल करके, अन्याय और अनीति पूर्वक ये लूटा है सारा देश, और आज भी लूट रहा है। मैंने कहा हर साल अभी भी करीब 10 लाख रुपए की लूट हो रही। 500 लूट के साथ कहां से लूटा है धन? फिर से बोलना। जल जंगल जमीन भू संपदा और बजट, बजट बना के लूटा है। हमको बता दिया कि देश का निर्माण करें। अंग्रेज भी तो बजट बनाते थे, लेकिन लूट लूट करके ब्रिटेन ले जाते थे। ये भी बजट बनाते, ये भी लूटने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब बात समझ में आई? और ये भ्रष्टाचार अभी भी, ये पिछले था लूटा, अभी भी हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए लूट रहे हैं, वो भी आंकड़ा इसमें दिया गया, पढ़ा ना आपने? ये चौथे पेज पर ये जानकारी है, पांचवें पर और छठे पर ये IIM के प्रोफेसर वैद्यनाथन से लेकर के, कि हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपए की अभी भी लूट।
हो रही है, फिर ये काला धन किन किन सेक्टर्स में लगा है, अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में लगा है, और यदि वापस आ जाएगा तो देश की क्या स्थिति होगी, ये सब कुछ बताया है। फिर भारत की मुद्रा की क्या स्थिति होगी, भारत की क्या स्थिति होगी, कैसे कैसे लूट के कहां कहां ले जाते हैं, सारे विषय रखे हैं। तो आप दो काम करना, एक तो वो हर गली गांव मोहल्ला में योग के शिविर लगा करके लोगों के चरित्र इतने पवित्र बना देना, लोगों को लगे देख करके ये तो ऋषियों की संतान है, ये तो धरती के भगवान है, ये सच्चे इंसान है। योग शिविर लगा के इस धरती पर सच्चे इंसान बनाने हैं। और दूसरा काम, ये अब सारे लोग तो चाहते हैं, बोले बाबा जी हम चाहते तो वही हैं जो आप कह रहे हो। इस समर्थन को वोट में तब्दील करना है, समर्थन को किसमें तब्दील करना है, तो अपनी बात से कितने लोग सहमत होंगे देश में। चलो रोज अपने कार्य में सेवा में ना योगदान देते हो, 99% लोग तो बेचारे उनको अपने ही से फुर्सत नहीं, रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं, तो जो इसमें ज्यादा समय नहीं भी दे पा रहे हैं वो भी चाहते हैं कि इन पापियों से देश को छुटकारा। लेकिन उन लोगों को फिर एक विकल्प देने के लिए, उन सब उन समर्थकों की शक्ति का वोट में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होगा, एक एक बूथ पर अपना संगठन होना चाहिए। तो जिले और तहसीलों में तो संगठन मजबूत कर दिया है, अब वार्ड और प्रखंड स्तर पर, प्रखंड और वार्ड स्तर पर, और उसके नीचे गांव और बूथ स्तर पर, एक जहां वोटिंग हो रही है वहां 25-50 आदमी समझदार से हों, जिम्मेदार से हों, वो समझदार वो जिम्मेदार, पहले तो वहां संगठन खड़ा करना पड़ेगा, उनको छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेगी, यही छोटी छोटी बातें बतानी, ये जो लूटने वाले हैं ये तो खाली एक ही मंत्र है इनका, तो तुम भी लूटो हमें भी लुटवाओ, हमें भी लूटने दो। हम कहते हैं हम खुद भी नहीं लूटेंगे और लूटने भी, वो बस एक ही बात समझाओ, ना लूटेंगे ना लूटने देंगे, ना लूटेंगे ना लूटेंगे ना लूटेंगे ना लूटने देंगे, बस ये एक मंत्र फैलाना है। क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं है, बोलो, अच्छे लोग नहीं होते तो आप कहां से आते, जैसे आप हैं वैसे ही सब लोग हैं। आत्मानुभूति सब जगह करो, ये एक बहुत बड़ा दर्शन है अपना, अपने ही जैसे हम अच्छा चाहते हैं देश का, ऐसे ही देश का अच्छा चाहने वाले बहुत लोग हैं, उन सबको अपने साथ जोड़ करके अपने को एक अच्छा भारत बनाना है। तो ये तीन बात देश के बारे में बताई, काला धन, भ्रष्टाचार और ये जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है इसको ठीक करने के लिए इसके दो उपाय बताए। दो उपाय क्या हैं, एक तो योग वाला, योग कराना है और लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे विचार देने हैं, ठीक है, जो विचार आपके भीतर हैं उनको लाना है, स्वदेशी का विचार, वैभवशाली बनाने का विचार देना है, देश को आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बनाने का विचार लोगों तक संप्रेषित करना है। और दूसरा काम वार्ड और प्रखंड स्तर पर, बूथ और गांव स्तर तक संगठन को मजबूत करना, वहां पर अच्छे लोगों को संगठन की रचना करना, वहां लोगों को प्रशिक्षित लोगों को तैयार करना, लोगों को बताना कि भाई अब ना हम लूटेंगे, ना हम खुद लूटेंगे और ना दूसरों को लूटने देंगे, बस ये बात बतानी। इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और इतना बड़ा काम करने के लिए यदि थोड़ा प्रयास किया जाए, अरे हम 100-200-500 रुपए की कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये तो करीब 1,000,00,000 करोड़ रुपए की बात है, और युगों युगों तक अपनी पीढ़ियां सुखी हो जाएंगी, कोई दरिद्रता नहीं रहेगी। दो ही सबसे बड़े दुख हैं, एक वैचारिक दरिद्रता और दूसरी आर्थिक दरिद्रता। गरीबी किसी भी तरह की दुख देती है। एक दुनिया में साधन संपन्न दुखी दरिद्र हैं, दूसरे साधनहीन दुखी दरिद्र हैं। योग से जो साधन संपन्न दुखी दरिद्र हो गए, ना उनको आध्यात्मिक समझ नहीं है,
अंतिम सत्य की समझ नहीं है कि अखंड शाश्वत सुख शांति कहां से मिलेगी। तो योग के द्वारा हमें इस देश की वैचारिक आध्यात्मिक दरिद्रता को दूर करना और भारत स्वाभिमान आंदोलन की शाखाएं, भारत स्वाभिमान आंदोलन का विस्तार वो गांव गांव तक कर करके, हर एक प्रखंड और वार्ड स्तर तक, गांव और बूथ स्तर तक करके एक ऐसी सात्विक शक्ति खड़ी कर देनी है कि इस बार ये सत्ता परिवर्तन भी हो, व्यवस्था परिवर्तन भी हो, ये काम करना है। इसके लिए आपको बुलाया है। तो मुझे लगता है अब लक्ष्य स्पष्ट हो गया है, अपने बारे में कुछ स्पष्टता आई है, देश के बारे में भी कुछ स्पष्टता आई है। बोले बाबा जी एक चीज ये नहीं आई कि ये MP कौन बनेंगे, ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपके तो मन बनने की किसी मटमटी नहीं उठ रही, तो जो है देश में कौन बनना चाहिए। देखो मूल जो निर्णय लेना हो नेतृत्व को लेना है, तो जिस पार्टी की नियत निष्ठा, जिस पार्टी की नीतियां और जिस पार्टी का नेतृत्व देश के भलाई के बारे में नहीं सोच रहा, उसको तो सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको तो हटाना है। और जिस पार्टी के का नेतृत्व, जिस पार्टी की नीतियां, जिस पार्टी की निष्ठाएं जैसे हम सोचते हैं वैसे वो देश का भला सोचते हैं, उनको पहुंचाना है। इतना बड़ा सोचेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अपने को सुख चाहिए, अपने को सुविधाएं, जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आपको ये अन्यायपूर्ण सुविधाएं चाहिए, अन्यायपूर्ण सुख चाहिए, अन्यायपूर्ण समृद्धि चाहिए, अन्यायपूर्ण दौलत चाहिए, तो ठीक, अपना भगवान का दिया हुआ कोई कम है क्या। तो ये जो लोभ है ना ये छोड़ो, देश के लिए सोचो। मैं चाहता तो मैं क्या ये दुनिया की सुख सुविधाएं नहीं भोग सकता था। मैं आज भी जमीन पर सोता हूं, आज भी वही गर्मियों में थोड़ा पंखा चला लेता हूं, इतना तो सुविधा लेता हूं, ना AC चलाता हूं ना कूलर। पहले मैं 10 साल तक एक कुटिया में रहा, वहां लैट्रिन बाथरूम भी काफी दूर जाना पड़ता था, 5 मिनट जाकर के होता था। फिर मुझे कुछ दिन तक, फिर जब यह निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो अतिथिशाला में रख दिया गया। फिर अभी भी मैं उधर पतंजलि पीठ के उसमें रहता था, अभी मैं झोपड़ी में रहने लग गया। अच्छा, उसमें जब मैं पतंजलि पीठ के उस अतिथिशाला में रहता था तो उसमें अपने आप तो मैं इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन कोई अतिथि आए तो वहां AC लगा रखा था, वो चला देते थे। अब जो भी मेरे से मिलने आता है, खुद भी पसीने में आनंद से रहता हूं और दूसरे को भी तर बतर करता हूं, मन का ले ले मजे। बाबा जी सुख सुविधाओं में रहते हैं। बोले नहीं बाबा जी आप तो बड़े तपस्वी हो, हमारे लिए तो कुछ कर दो। मैंने कहा इतने लोग, अच्छा इससे हमें कोई मतलब, हमें कोई कुछ भी कहता रहे क्या परे इससे कुछ तो पहले आप मेरे जैसे हो जाओ, फिर आपको साथ ही रख लूंगा। आप लोग अपने लिए इतना संकल्प ले लो, मैं ऐसे देश में लोग पैदा करना चाहता हूं, और मुझे लगता है ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि सबकी आत्मा की वही आवाज और पुकार है जो मेरी आत्मा में उठ रही है। समष्टि की आत्मा तो एक ही है ना, हमने खाली बातें नहीं की है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, शिक्षा, जितने भी हम मूल्यों की, आदर्शों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, उनको हमने जमीन पर उतारा है, जमीन पर उतारा है उनको, और अपने लिए सुविधा नहीं, अपने लिए संसाधन नहीं, अपने लिए तो जितना नितांत आवश्यक है उतना उपयोग करना, और जो बाकी समष्टि ने दिया वो समष्टि के लिए लगाना। मैं सोचता हूं ऐसा ही भाव आप सब में आ जाएगा तो देश का सारा अभाव मिट जाएगा। भाई बहनों, आज
का ये सत्र था, तीन वो बिंदु, उसके ऊपर हमने समय दिया करीब 90%, जिससे अपना अपने जीवन में अपने को सुख शांति संतुष्टि मिलेगी और अपने जीवन में से जो अभाव है सा है, अपने जीवन में जो एक खालीपन है वो भरेगा, अपने भीतर का अभाव मिटेगा पहली तीन चीजों से। और राष्ट्र के भीतर में जो अभाव है, अन्याय है, राष्ट्र में जो दरिद्रता है वो मिटेगी फिर इस राष्ट्रीय आंदोलन से। दोनों काम हमें साथ साथ करने हैं। भौतिक परिवर्तन का काम यद्यपि सरल नहीं है, लेकिन वो तो बार बार हुआ है, इस बार हमें भौतिक परिवर्तन भी करना है और आध्यात्मिक परिवर्तन करना है। इसलिए हमने कहा हमारा बड़ा लक्ष्य है आध्यात्मिक शक्ति संपन्न और आर्थिक शक्ति संपन्न परम वैभवशाली भारत का निर्माण। रोज सुबह स्टार्टिंग था।